यहाँ पे मेन सर्किट बोर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले जितने भी कनेक्टर लगे हैं वो कनेक्टर को निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे कीपैड कनेक्टर, सारे कनेक्टर से यहाँ से निकाल दो। जैसे कि आपका एलईडी कनेक्टर, उसके बाद बैटरी और स्विच का कंबाइन कनेक्टर रहता है उसको भी निकाल दो। और यहाँ पे ये डिस्प्ले का कनेक्टर है वो भी निकाल दो। उसके बाद यहाँ पे लोड सेल के वायर कनेक्टेड है सोल्डर किए हुए, उसको सोल्डरिंग की मदद से डिसोल्डर कर दो। लोड सेल के वायर डिसोल्डरिंग होने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर के आउटपुट से उसको भी डिसोल्डर कर दो। सारे वायर निकालने के बाद पीसीबी को निकाल दो। पीसीबी को निकालने के बाद पीसीबी को रिप्लेस करके यहाँ पे नया पीसीबी लगा दो। पीसीबी निकालने के बाद, पीसीबी लगाने के बाद सबसे पहले जो भी शोल्डरिंग पॉइंट है उसको शोल्डर कर दो। जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट, और दोनों टर्मिनल ट्रांसफार्मर के आउटपुट को उसी जगह पे शोल्डर कर दो। उसके बाद आपके लोड सेल के वायर्स जो है यहाँ पे सीक्वेंस लगा हुआ है और यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से उसको यहाँ पीसीबी में शोल्डर कर दीजिए। ब्लैक और रेड वायर आपका पावर का रहेगा, ग्रीन और व्हाइट वायर आपका सिग्नलिंग रहेगा, जो कि इंडिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, रेड, व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक। सारे वायर सोल्डरिंग होने के बाद जो भी हमने कनेक्टर निकाले थे वो उसी जगह पे वापस से लगा दीजिए। जैसे कि आपका कीपैड कनेक्टर, फिर डिस्प्ले कनेक्टर, एलईडी कनेक्टर, चार्जिंग लाइट और बैटरी और स्विच कनेक्टर। सारे कनेक्टर्स लगाने के बाद स्केल को चालू करके देखें।